आई अपनी बात रखने के लिए, शांतिपूर्वक आराम से आ रहे थे और इतने में पुलिस ने हमें बुरी तरीके से धक्का मुक्का मारा। हालांकि वो अपनी ड्यूटी ही दे रहे थे, लेकिन उनका ये तरीका बिल्कुल सही नहीं था। यहाँ कोई लेडीज पुलिस नहीं थी। यहाँ पे अनाज मंडी के पास हमें बुलाया गया था, हमें पता था कि यहाँ पे वो उद्घाटन पे आ रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम उनके पास जाकर अपनी बात रखें। और सर, हम अपनी नौकरी बचाने के लिए, हमारे बच्चे बिल्कुल रोड पर आ चुके हैं, सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए उनके पास दरख्वास्त लेकर आए, उनसे रिक्वेस्ट करने आए कि सर कुछ हमारे लिए कीजिए। मैं विडो औरत हूँ, मेरे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ एक ये नौकरी थी जिससे मैं अपनी बेटी का पालन पोषण करती। अब आप बताइए कि मैं कहाँ जाऊँ अपनी बेटी को लेकर, और जबकि हमारा कोई कसूर नहीं है। हमारे लिए टेस्ट रखा गया, हम जाकर टेस्ट ले आए, हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया, हमें इंटरव्यू बाकायदा दे के आए, उसके बाद लिस्ट लग गई हुई, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आप देने के लिए हमें बुलाया गया, हम जाकर ले आए। हमने 10 साल अपनी सर्विस की है, उस 10 साल का हमें ये रिवॉर्ड मिल रहा है कि हमें आज रिलीविंग पकड़ा दी गई है और आज रोडों पर हम धक्के खा रहे हैं। यहाँ पे पुलिस क्या चाहते हैं सर? हम यही चाहते हैं हमें बहाल किया जाए, हमारी नौकरी हमें वापस दी जाए। सरकार ने हमें बिल्कुल मरने पर छोड़ दिया है। नहीं, सरकार मांग नहीं मानती तो क्या करेंगे? तो हम ऐसे आंदोलन करेंगे, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन हम अपनी नौकरी वापस लेकर जाएंगे। के साथ हाथापाई करने का प्रयास किया, मैं भी कॉलर पकड़ के खींचा। हम ये नहीं कहते कि उनकी कोई ज़्यादा गलतियाँ, लेकिन उनकी भी अपनी ड्यूटियाँ हैं, लेकिन हम शांति से बात करना चाहते हैं सर, हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं। और सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमारा रोहित शर्मा जी से, ग्रोवर जी से है कि हमें ये बताएं कि हमारी गलती क्या है। बस अब देखिए, हमारे को रोकने के लिए इन्होंने पुलिस बल भी बुला लिया है, हम कोई क्राइम नहीं है, मुजरिम नहीं है, हमारी मांग कोई ऐसी नहीं कि नाजायज़ है। तो हम ये चाहते हैं मीडिया के माध्यम से भी आप दिखाएं कैसा अत्याचार, हमारे बच्चे आज रोड के ऊपर बैठे हैं, बहुत सारी महिलाएं हमारी साथी हैं, महिलाओं से एक बार अपना विधवा भी होगी, आप इनसे एक बार पूछो, बात कीजिएगा इनसे कैसे उनके बच्चे आज रोड के ऊपर बैठे हैं। हमारे बहुत साथी जो ड्यूटी के दौरान भगवान को प्यारे हो गए हैं, आज उनके पास कोई चारा नहीं है, कहाँ से वो रोटी लेके आएंगे? बहुत लोगों की EMI उसमें तनख्वाह में जाती थी, उन्होंने लोन ले रखा था, वो कहाँ से EMI भरेंगे? तो बहुत सारी समस्याएं हैं। एकदम आप 10 साल नौकरी करने के बाद ऐसे किसी को एक झटके में नहीं निकाल सकते, आपके पास वैधानिक शक्ति, आप उनका प्रयोग कीजिए, आप इनको नियमित कीजिए। जैसे हमारे गैस टीचर साथी थे, उनके लिए आपने ये प्रयोग किया, आज वो भी नियमित बने हुए हैं। पहले जो छोटा बड़ी कोर्ट तो है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, फिर भी हरियाणा सरकार की से कोशिश करी जा रही है, एडवोकेट जनरल से भी और एक्सपर्टों से भी चर्चा की जा रही है कि किस तरह से क्या इसका समाधान निकल सकता है। कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट ने फैसला किया है, उसके बीच में सरकार की इंटरफियरेंस।